हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, और क्लियर मैंडेट आपने दिया उसका क्लियर नतीजा निकला, और वह नतीजा यह है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था, और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की, और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी, वो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि तीन तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए, लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी, और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही, फॉर 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके, और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से। मैं मजबूत नेतृत्व का एक प्रमाण और एक विषय जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये कोविड जब आया तो शायद ये शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था, दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा, दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। आपको पता है बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है। और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया, और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था वहीं 2 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया, और फिर कहा जान भी है और जहान भी है, और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए, और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ,
कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया, इस बात को भी हमने देखा। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टेटनस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई, लेकिन कोरोना प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई, ये भी हम लोगों ने देखा, और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी।